वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। मैं हूं अंजलि और गाइस आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बोंजोर पेरिस के 6 कॉम्पैक्ट पाउडर्स। ये मेरे पास आए हैं अमेज़न से रिव्यू के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास प्रोडक्ट आते हैं रिव्यूज़ के लिए, लेकिन मैं रिव्यूज़ उसी का करती हूँ जो मुझे सेटिस्फाइड करते हैं। तो गाइस चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर कितने इफेक्टिव हैं। सो गाइज मेरे पास टोटल 6 शेड्स आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बोंजोर पेरिस के ब्रांड के ये कॉम्पैक्ट पाउडर्स हैं। इनकी जो पैकेजिंग है इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। एक साइड से ब्लैक और पिंक का कॉम्बिनेशन दिया है और एक साइड से ब्राउन और पिंक का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। इसका जो प्राइस गाइज ये है 275 रुपीज का, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 3 ईयर्स की है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग है 2019 की और एक्सपायरी डेट दी हुई है 2022 की, यानी 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 3 साल की वारंटी पीरियड है। प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ जो है 3 ईयर्स की है। और ये कॉम्पैक्ट की बेस्ट चीज ये है कि इसमें SPF 10 डाला गया है। अगर हमें कॉम्पैक्ट के साथ ही किसी भी क्रीम के साथ अगर SPF मिल जाता है तो बहुत ही एक अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए। और ये है गाइस कोट मी बोंजोर पेरिस का फोटो मैच जेंटल कॉम्पैक्ट पाउडर विद विटामिन ई एनरिच्ड विद SPF 10। विटामिन ई के साथ SPF 10 है, 275 रुपीज का है। 6 शेड्स अवेलेबल हैं। ये वाला जो शेड मैंने उठाया फेयर स्किन के लिए है। उसके बाद ये जो शेड है ये है 04 फेयर स्किन के लिए। ये भी शेड है पर्ली फेयर स्किन के लिए। और जो ये वाला शेड है ये है मीडियम बीज। यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कौन से फेस पे जाएगा, तो इसको ना चूज करना बहुत इजी हो जाता है कस्टमर के लिए। अगर कंपनी से लिखा हुआ ही आया है तो मोस्टली लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं कि यार कौन सा शेड लेंगे। तो इसमें यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है बीज स्किन, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बीज स्किन लिखा हुआ है और ब्रिटिश स्किन भी यहाँ पे कहीं लिखा हुआ था, ये देखिए यहाँ पे मेंशन है, और डस्की स्किन देखिए यहाँ पे मेंशन है। तो मैं आपको निकालती हूँ ब्रिटिश स्किन, जो गेहूं का कलर होता है वो वाला कॉम्पैक्ट वाला शेड मैंने निकाला है। और इसको निकाल के मैं दिखाती हूँ उसकी पैकेजिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखिए कुछ इस तरह का एक कॉम्पैक्ट का कंटेनर है। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी, ये कॉम्पैक्ट का इस तरीके का कंटेनर है, ब्लैक एंड सिल्वर ये देखिए। और पीछे पूरी डिटेल लिखी हुई है, शेड नंबर लिखा हुआ है, स्टिकर लगाया हुआ है कंपनी ने कि अगर आपके पास से ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग खो जाती है तो वो आप कंटेनर के पीछे भी देख सकते हैं कि ये शेड कौन सा है। पूरी डिटेल वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे बेस्ट चीज है कंपनी का फोन नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है और ईमेल आईडी भी लिखा हुआ है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट यू कैन ईमेल, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। और यहाँ पर भी सेम चीज लिखी हुई है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है बोंजोर पेरिस का जेंटल कॉम्पैक्ट पाउडर विटामिन ई इंडस्ट्री विद SPF 10। ये देखिए अब इसे खोल के मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह की ब्यूटीफुल पैकेजिंग में आता है। ये इसका पफ है, ऊपर से इन्होंने एक प्लास्टिक की शीट लगाई हुई है ताकि प्रोडक्ट बाहर ना निकले। और ये है, ये देखिए, और बहुत ही अच्छे कंडीशन में मुझे मिल गया है। और ये मैं आपको थोड़ा सा हाथ में लगा के दिखाती हूँ, ये देखिए एज सच कोई इसमें फ्रेग्रेंस तो नहीं आ रही है, बहुत ही हल्का सा परफ्यूम डाला गया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं है इसकी, बहुत ही हल्का सा कोई बहुत ही माइल्ड सी फ्रेग्रेंस आ रही है, बहुत ही लिमिटेड। ये देखिए मैंने इसको लगाया है, ये देखिए इसमें लग चुका है। मैं थोड़ा सा आपको लगा के दिखाती हूँ अपने हैंड पे, ये देखिए आपको पता नहीं मेरा कैमरा कैप्चर कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं आपको दोबारा से लगा के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने लिया और यहाँ पे लगा के देखते हैं, ये देखिए बहुत ही इजिली स्किन पे चला गया है, मेरे जो स्किन का टोन है उसके साथ ही मैच हो चुका है। फ्रेग्रेंस मैंने आपको बताई बहुत ज्यादा माइल्ड है और ऐसा कुछ लग नहीं रहा, कोई शिमर नहीं है। सबसे बेस्ट चीज ये है कि इसमें कोई शिमर नहीं मुझे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ही मैट लुक है। और SPF होने की वजह से ना बिल्कुल ही मैट लुक दे रहा है, बिल्कुल ही ग्रीसीपन सा नहीं है, बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म भी नहीं है कि हमने कुछ थोप लिया आपके अपने फेस पे या स्किन पे, ऐसा भी कुछ नहीं है। देखिए मेरी स्किन पे पूरी तरह जा चुका है। तो आप मेकअप के बाद इसको हल्का सा अपने फेस पे टचअप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी पैकेजिंग है, आप इसको ट्रैवल फ्रेंडली है अपने पर्स में रख सकते हैं। बहुत छोटा सा इसका
वैसे ज्यादातर कॉम्पैक्ट ऐसे ही पैकेजिंग में आते हैं, बट इसका मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा ब्लैक का कॉम्बिनेशन, और ये पफ बहुत ही कूल है, बहुत इजिली अब्जॉर्ब हो गया है। तो गाइज अगर आप कोई भी अफोर्डेबल देख रहे हैं ना कॉम्पैक्ट पाउडर, तो एक बार ये वाला कॉम्पैक्ट ट्राई कर लेना, देखिए बहुत इजिली मेरे स्किन पे चला गया है, बहुत अच्छा लग रहा है, एक फेयरनेस से लुक आपको दे रहा है, क्योंकि इसमें एसपीएफ भी डाला गया है तो ये फेयरनेस लुक तो आएगी ही आएगी, और विटामिन ई होने की वजह से ना आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा कॉम्पैक्ट माना जाएगा ये। तो गाइज इसमें 6 शेड्स फिलहाल अवेलेबल है और बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है, इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और 6 के 6 शेड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, बाय।